आज हमारे साथ शौर्य डोभाल जुड़े हुए हैं जो कि एनएसए अजीत डोभाल के सुपुत्र हैं और शौर्य खुद पेशे से सीए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इंडिया फाउंडेशन जो एक थिंक टैंक है उससे भी जुड़े हैं, बीजेपी से भी पिछले कुछ समय से लगातार जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और इनसे सवाल करते हैं। आपका बहुत स्वागत है शौर्य डोभाल जी नेटवर्क 18 पे। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आपकी सक्रियता उत्तराखंड में लगातार रहती है, पहले भी रही है, अभी भी रही है, और फिर लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आपकी सक्रियता जब जब होती है लोग लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर इसको देखते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, राजनीति में लोग हमेशा चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें से अपने आप स्पेकुलेट करते हैं कि उसका ये कारण होगा। जैसे आपने कहा, मेरी सक्रियता हमेशा थोड़ी बहुत रहती है उत्तराखंड के अंदर। मैं बीजेपी उत्तराखंड कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी हूँ, उसके तहत मेरी कुछ जिम्मेवारी है, समय समय पे मैं उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए यहाँ आता हूँ, और पर उसका किसी भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी बोलती है कि आप चुनाव लड़िए या यहाँ से तैयारी कीजिए, तो फिर आपका कैसा रिस्पॉन्स है? हाँ, तो वो जब समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन वो तो एक पार्टी का आदेश होता है, पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम देती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जब वो किसी भी प्रकार का काम देगी, तो फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम जितना कर सकेंगे कर पाएंगे। क्योंकि अब आपका करियर में देख रहा था, आप देश विदेश में भी घूमे हैं, आपका प्रोफेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, मॉर्गन स्टेनले के साथ रहे हैं, जी कैपिटल के साथ रहे हैं, अब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, अब आप सोशल सेक्टर में भी हैं। उत्तराखंड अपने आप में हिमालयन स्टेट है, यहाँ के अपने इश्यूज हैं और यहाँ बहुत से इश्यूज ग्रेपल करते हैं, डेवलपमेंट का है, विकास का एक मुद्दा हमेशा रहता है क्योंकि यहाँ डिफिकल्टीज हैं, एक्स फौजीज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, आप इन सब पे कैसी राय रखते हैं? नहीं, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बॉर्डर स्टेट है, प्राइमरीली हैवी रिक्रूटमेंट सेंटर है इंडियन आर्म फोर्सेस का, यंग पॉपुलेशन है, एक एजुकेशन सेंटर भी है, तो यहाँ पर हर प्रकार के इश्यूज, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हों, डेवलपमेंट को लेकर हों, एक बॉर्डर स्टेट को लेकर हों, वो स्वाभाविक है। अब समय समय पर इन इश्यूज पर अलग अलग सरकारों के अलग अलग अप्रोचेज रही हैं और तरीका रहा है, बट मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, हमने कोशिश की है कि यहाँ पर इन इश्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की कोशिश करें और यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, कल को अगर आप एमपी बनते हैं तो आपका आउटलुक पौड़ी गढ़वाल को लेके या ओवरऑल स्टेट को लेके, स्टेट के डेवलपमेंट को लेके क्या होगा? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, विकास की दौड़ में कई लोग ऐसी बात करते हैं कि भाई पहाड़ जो हैं हमेशा छूट जाते हैं पीछे, और प्लेन्स में जो उत्तराखंड का जो प्लेन्स का तराई का एरिया है वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलपमेंट हो पाता है। बिल्कुल, आपकी सही बात है। देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां जाता है जहां पर उसको ईज है ऑफ वर्किंग, तो इट इज बट नेचुरल, क्योंकि प्लेन एरियाज के अंदर इंडस्ट्री लगाना, एक्सेसिबिलिटी, लॉजिस्टिक्स ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए यहाँ पर बाय नेचुरल फ्लो डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइमरीली एक हिल स्टेट है और इसका क्रिएशन ही इसलिए किया गया था कि इसका हिल एरिया डेवलपमेंट हो। अगर यही नहीं करना था तो हम उत्तर प्रदेश का ही भाग रहते तो क्या प्रॉब्लम थी, बहुत प्लेन एरिया तब था। तो इसलिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत होगी और एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत होगी डेवलपमेंट की, कि जहां हम डेवलपमेंट को प्लेन से उठाकर फिर वापस पहाड़ों में लाएं और ऐसा डेवलपमेंट लाएं जो पहाड़ सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और यहां के कल्चर के हिसाब से उन यहां के लोगों के लिए बट नेचुरल प्रोग्रेशन हो, तो इसकी ज़रूरत है डेफिनेटली। एक सवाल, जो उत्तराखंड क्योंकि हिमालयन स्टेट है और बाकी हिमालयन स्टेट्स में भी रहा है लगातार, उत्तराखंड के संदर्भ में मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के लिहाज से ये स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बड़ा क्रूशल रहा है। यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस की बातें समय समय पर आई हैं और सरकार ने इस पर कुछ काम भी कराया, धामी सरकार ने, आप इस पर कैसा अपना व्यू पॉइंट रखते हैं? नहीं, यहाँ का कल्चर का प्रिजर्वेशन होना और यहाँ के तौर तरीकों को प्रोटेक्ट करने के लिए
बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर जो इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स हो उसको मॉडरेट और रेगुलेट किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको स्टॉप किया जाए, बट उसको रेगुलेट किया जाए कि यहाँ की जो ओरिजिनल रहने का तौर तरीका है उसमें कोई बहुत बदलाव ना आए। इसीलिए इस पर समय समय पर सरकार ने इस विषय पर एड्रेस किया इस इशू को और आगे भी करती रहेगी। ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, हर यहाँ पर हर भारत नागरिक को परमिशन है कि वो कहीं भी जाकर बैठे, और उत्तराखंड इन्वाइट भी करेगा कि देश भर से लोग आएँ और यहाँ पर आएँ। लेकिन उसको जैसे मैंने कहा, जैसे आप किसी भी शहर में ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आने वालों के लिए भी और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी। इसी तरह ह्यूमन माइग्रेशन और इन्फ्लक्स की भी इशू है, हमें इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। अभी हमें उत्तराखंड का डेवलपमेंट करना है, हमको यहाँ के लोगों के लिए पहले अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और उसको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ओवर अ लॉन्ग पीरियड इस पोजिशन पर लाना है कि हम बाहर के लोगों को भी इन प्रोपोर्शन अब्जॉर्ब कर सकें। बीजेपी के गुड गवर्नेंस सेल से भी जुड़े हैं, उत्तराखंड में ये इशू बार बार आता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अक्सर वो सवाल उठाते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस में बड़ा पार्ट ब्यूरोक्रेट्स प्ले करते हैं और ब्यूरोक्रेसी और हमेशा नेताओं में झगड़ा बना रहता है। आपका क्या तजुर्बा है, आपके सजेशन देना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये दोनों ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास एक गाड़ी के दो पहिए हैं और इनमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टेंशन बना रहना बड़ा स्वाभाविक है। ये जनता के लिए भी अच्छा है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रेक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काम जनता की एस्पिरेशंस को, चाहे वो कैसी भी हो, उनको अपनी पूरी कोशिश करना उसको कि उनको वो उनको फ्रुक्टिफाई करना, उनको कार्यान्वित करना जमीन पर है। तो इसलिए इनमें ये एक नेचुरल टेंशन लगा रहता है और होना भी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक गाड़ी के, गाड़ी का कहाँ जाना है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। हमारे लोकतंत्र में ये राइट पॉलिटिकल क्लास को दिया गया है कि वो इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहे, और इसलिए आवश्यक है कि जो भी सपोर्ट सिस्टम्स हो विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको ब्यूरोक्रेट्स फॉलो करें और अपनी पॉलिटिकल क्लास को असिस्ट करें। जो मुझे नहीं लगता कि ये इसको समय समय पर थोड़ा सा बोला जाता है और वो स्वाभाविक है, जब लोग ज़मीन पर काम करते हैं तो वो टेंशन रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद भी यंगस्टर रहे हैं, आपका अपने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया है, उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं युवाओं के लिहाज से कहूँ तो यहाँ सबसे ज्यादा तो माइग्रेशन है, लोग काम की तलाश में ही घर अपना छोड़ते हैं, ये बड़ा इशू भी रहा है। खासकर पौड़ी गढ़वाल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए तो बहुत बड़ा इशू रहा है, वो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में। आप बतौर इंडिया फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, बतौर सोशल वर्कर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ की वर्कफोर्स यहीं रुके, यहाँ का यंगस्टर यहीं रुके, इसके लिए क्या सजेशन है? देखिए, आप ही के सवाल में इस सवाल का काफी हद तक जवाब है। यहाँ के अगर आप 13 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें और उनको एनालाइज करें तो आप पौड़ी ही ऐसी क्यों डिस्ट्रिक्ट है या ऐसी कुछ वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से माइग्रेशन है और औरों से माइग्रेशन नहीं है, तो आप देखते हैं कि औरों जगहों से माइग्रेशन इसलिए नहीं है, चाहे उनकी जो भौगोलिक स्थिति हो और भी टफ हो, पौड़ी तो फिर भी लो लाइंग हिल्स है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पर्यटन के माध्यम से हो, यात्रा के माध्यम से हो या किसी भी और माध्यम से हो, इसलिए लोग वहाँ पर बसे रहे, क्योंकि वहाँ पर एक इकोनॉमिक रैशनल से कहते हैं था लोगों के रहने का। पौड़ी क्योंकि बीच में पड़ता है ना, वो तो किसी टूरिस्ट सर्किट पर पड़ता है ना वो किसी यात्रा सर्किट पर पड़ता है, इस और क्योंकि वहाँ पर हम मेरे ख्याल से पिछले 20-25 सालों में इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट कर पाए, तो बहुत नेचुरल है कि वहाँ पर से माइग्रेशन पहले देहरादून की प्रति हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में हो गया। तो अगर इस सवाल का जवाब देना है तो हमको यही करना पड़ेगा, हमको पौड़ी में वापस इकोनॉमिक माइग्रेशन को रोकने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी एट अ मैसिव स्केल, और उनको इस प्रकार करना पड़ेगा कि वहाँ का जो रेजिडेंट है वो छोड़े ना, बट बाहर वाले भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए आए। और जैसे कि पौड़ी मैंने कहा लो लाइंग हिल्स है और देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार से कनेक्टेड है और कोटद्वार से कनेक्टेड है, तो प्लेन्स ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, अगर इस पर काम किया जाए तो ये संभव है।
एक सवाल मेरा इससे जुड़ा है, पॉलिटिक्स में आना कभी भी एक एवरेज फैमिली में बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। लोग अपने बच्चों को कभी पुश नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में आइए। आप सक्रिय हैं राजनीति में, आपका एक जो पुराना करियर है काफी पढ़ लिख के आप सीए वगैरह बन के पॉलिटिक्स में आए हैं तगड़े छोड़ के, आपको लगता है कि आप अब चेंज हुआ है, एक नैरेटिव चेंज हुआ है, पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं भी जिस फैमिली से आता हूं वहां पर पॉलिटिक्स को एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन या करियर नहीं माना जाता था। और मुझे लगता है कि पिछले 9-10 साल में इस कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक नया कल्चर दिया कि जहां आपको वो प्रेरित करते हैं कि आप समय समय पर अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, और उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी लाइफ में कि पॉलिटिक्स एक माध्यम हो सकता है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट माध्यम है पब्लिक सर्विस का। और इसीलिए मेरे ख्याल से देश में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, मुझे लगता है जगह जगह पर लोगों को लगने लगा है कि नहीं, पॉलिटिक्स इतना बुरा काम नहीं है, पॉलिटिक्स में हर आदमी ऐसा नहीं है जो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए आता है और अपने ही फायदे के लिए आता है, पॉलिटिक्स के माध्यम से भी सर्विस की जा सकती है। और मेरे लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत इंस्पायरिंग रहा है, मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड हूँ, और इसलिए मैंने मतलब मना नहीं किया जब मुझे कहा गया कि थोड़ा सा आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। शायद अगर मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं होता इस प्रकार का तो शायद मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आता। तो घर में कहा नहीं आपके फादर ने या किसी और ने फैमिली में, या पॉलिटिक्स ही क्यों, देख लो सोच लो? नहीं, कॉन्स्टेंटली कहते हैं, और मैं कॉन्स्टेंटली खुद भी एक दुविधा में रहता हूँ कि ये सही है या नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर है इस देश में, मैं उस पॉलिटिकल कल्चर का भाग होना चाहता हूँ जो एक डिफरेंट तरह की राजनीति के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट तरीके के स्किल सेट के साथ और एक सर्विस के रूप में इसको देखते हैं। मैं एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैंने कोई एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल जर्नी नहीं फॉलो करी है और ना मेरा कोई इंटेंशन है उसको फॉलो करने का। मैं अपनी तरह की राजनीति करने की कोशिश करूँगा, मुझे ये नहीं पता कि ये सक्सेसफुल होगी या फेल होगी, ये मेरे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसके माध्यम से एटलीस्ट और लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि हाँ, सिर्फ अपने लिए ही जीना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने कहा, मेरे को इस पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को कोई करियर की ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई करियर का चॉइस की वजह से मैं आया, लेकिन अगर मैं अपने तरीके से कुछ भी छोटा सा परिवर्तन ला सकूं तो मैं अपने को फॉर्चुनेट समझूंगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने रास्ता दिखाया है लोगों को, उस पर अपने रूप से उसको कार्यान्वित करने में अपने जीवन में अगर ला सका तो आई विल फील कि आई डिड माई जॉब। क्योंकि आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने जिक्र किया है कि आपका कुछ समय जब आपने अलग अलग जगह में पढ़ाई करी तो पाकिस्तान में भी बीता। पाकिस्तान आजकल बहुत खबरों में है क्योंकि वहाँ की एक लड़की नोएडा में अपने प्रेमी के साथ आके सेटल हो गई है। तो ये तो दोनों नेशन से हैं, कई लोग कहते हैं कि ये जो दोनों देश हैं वो लगते तो एक से हैं, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, तनाव भी रहता है। आपका तजुर्बा पाकिस्तान में कैसा रहा था? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा, मेरा पाकिस्तान के बारे में यही मानना है कि ये एक आर्टिफिशियल डिवीजन है जिसको एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। इसको सस्टेन करने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का और स्टेट का तब भी हाथ था 1947 में, अभी भी हाथ है। लेकिन जहाँ तक लोगों की प्रॉब्लम इशू है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो हम एक ही जैसे लोग हैं, एक ही हज़ारों सालों से एक साथ रहते आए हैं। कुछ एक छोटा सा एबरेशन मैं मानता हूँ ये पीरियड ऑफ हिस्ट्री में है जहाँ हम लोग अलग हैं, देखिए भविष्य में आगे क्या होता है। आप कितने साल रहे पढ़ाई जब कर भी, कौन सी क्लास में थे आप? मैं वहाँ गई 6 साल रहा। कौन सी क्लास में रहे हूँ? मैं क्लास 2 में गया था और क्लास 8 में वापस आया। तो ये थे शौर्य डोभाल, जिन्होंने बहुत सी बातें अपनी साझा की।